कोविड 19 के बाद आज हम बात करते हैं वैक्सीन ट्रेड के बारे में और हमारा तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर पावर फैक्टर एक्सेट्रा बहुत सारी यूनिट्स आती हैं। उसमें सबसे पहले हमारी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? फ्लो इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल पावर इन मैच इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इसकी यूनिट होती है एम्पीयर। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर सकते हैं इसके लिए विशेष मीटर, जो मीटर है उसे बोलते हैं एमीटर। और फिर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये समझ में आएगा कि ये डीसी वोल्टेज सोर्स है। जब हम इस चीज को क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड फ्लो होंगे एज दिस, बट जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा अपोजिट फ्लो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उससे अपोजिट होगा, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻¹¹। और फिर है हमारी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वो यूनिट है जिसके द्वारा एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कंडक्टर से, जिसके द्वारा हमारे कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, यानी कि इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल वी से। और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसकी एम्पीयर यूनिट होती है, और इसको मेजर किया जा सकता है वोल्ट मीटर। और जो मीटर करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल लोड के सीरीज में लगाया जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के पैनल में लगाया जाता है, जिससे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और मीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो गुण होता है कंडक्टर का जिसके द्वारा यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज किया जाता है, यानी कि रुकावट बाधा उत्पन्न की जाती है उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इसकी यूनिट होती है ओम। और इसको ग्रीक लेटर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है ओम में। ओके, फिर इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर किसे कहेंगे? यानी कि वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे, और इस इलेक्ट्रिकल पावर को कैपिटल पी के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है वाट। इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए मीटर जो होता है उसे बोलेंगे वाट मीटर। ठीक है, और उसके अंदर दो कॉइल होगी, वाट मीटर के अंदर एक करंट कॉइल और एक पोटेंशियल मीटर। करंट कॉइल को डिनोट किया जाता है सीसी और पोटेंशियल कॉइल को पीसी। ये उसका सिंबल है। फर्दर इलेक्ट्रिकल पावर कितनी टाइप्स होगी? इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास नंबर ऑफ टाइप्स 3 है। फर्स्ट है एक्टिव पावर, सेकेंड है रिएक्टिव पावर,
थर्ड है अप्लाइड पावर। जो एक्टिव पावर है एक हमारे पास पावर एंगल ट्रायंगल होती है जो उधार ये होती है एक्टिव पावर। ये होती है रिएक्टिव पावर। ये होती है अपलाइड पावर। इसे बोलते हैं पावर एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद आएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसे कहेंगे? पावर फैक्टर यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। यानी कि वोल्टेज और करंट के एंगल को हम क्या बोले पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को डिनोट किया